हेलो फ्रेंड्स, सीएसटी बीपीएससी बुक परीक्षा उत्तर लेखन से संबंधित जो हमने सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हम एक पोस्ट डेली अपने यूट्यूब के कम्युनिटी सेंटर में डालते हैं और उसी क्वेश्चन को हम हमारा एक फेसबुक पर ग्रुप है बीपीएससी अड्डा कर उसमें पोस्ट करते हैं और टेलीग्राम का चैनल जो है हमारा उस पर पोस्ट करते हैं। यानी तीन जगह हम इस प्रश्न को पोस्ट करते हैं। इसके उत्तर आप तीनों जगह में से कहीं भी आप सेंड कर सकते हैं। सबसे अच्छा माध्यम है कि आप ईमेल आपको दी हुई है उसी प्रश्न के साथ, वहाँ आप सेंड कर सकते हैं। हमने पहले वीडियो में अपने तीन प्रश्नों को एनालिसिस की थी, जिसमें पहला प्रश्न था कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की मांग बस भारत की एक मांग नहीं है बल्कि एक दावा है, टिप्पणी करें। दूसरा प्रश्न हमारा क्वाड से संबंधित था कि क्वाड की अभी जो मार्च में बैठक हुई थी, शिखर सम्मेलन, वर्चुअल शिखर सम्मेलन थी, पहले शिखर सम्मेलन हुई थी, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था, उसी से एक स्टेटमेंट निकाल के एक प्रश्न पूछा गया था। और जो हमारा तीसरा प्रश्न था वो राजकोषीय संघवाद से संबंधित प्रश्न था कि कोविड-19 से संबंधित जो महामारी उत्पन्न हुई है उसने किस तरीके से राजकोषीय संघवाद के समक्ष में चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं, आपको बिहार के विशेष संदर्भ में उस प्रश्न पर बताना था। उस वीडियो के लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे यानी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि केशवानंद भारतीवाद के निर्णय के द्वारा न्यायपालिका को आधारभूत संरचना सिद्धांत के रूप में ब्रह्मास्त्र मिल गया है, टिप्पणी कीजिए। इसमें जो सबसे अच्छे उत्तर आप लोगों ने भेजे हैं उनमें से कुछ जो आंसर हैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम के आंसर है लेकिन अच्छा है इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने क्या किया है कि स्टार्टिंग से ही भूमिका में ही यह शुरू कर दिया है कि ब्रह्मास्त्र है या नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन की डिमांड है ना, उसको पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, इसको डेवलप करने की न्यायपालिका को जरूरत क्यों पड़ी, इसका डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ, इसके फायदे क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसके बाद लास्ट में आप बताओगे कि ब्रह्मास्त्र है या नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें कौन कौन से केस लॉ यूज कर सकते हो, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको इसमें इंक्लूड करने चाहिए। इन्होंने भूमिका अच्छी लिखी है, टू दी पॉइंट लिखी है कि भारत में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेसिकली न्यायपालिका की एक इनोवेशन है, खोज है, जिससे वो विधायिका और न्यायपालिका में सामंजस्य बैठा सके। और जो आप अगर देखेंगे कि भारत में अगर इसकी बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद से DPSP और फंडामेंटल राइट, चूंकि भारत को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में स्थापित किया गया था तो एक कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने लगा और उसी के बाद से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया और जिसमें 31A और 31B ऐड किया गया, जिसके बाद उसे चुनौती दी गई शंकरी प्रसाद के बाद में। और शंकरी प्रसाद के बाद और सज्जन सिंह के बाद में लगभग न्यायपालिका का जजमेंट सेम ट्रेंड में था कि जो विधायिका है उसे FR में भी अमेंडमेंट करने की पूरी शक्ति है। साथ ही साथ उन्होंने 368 के द्वारा जो संशोधन किए जाते हैं उसमें कहा कि वो जो है उस पर आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा। इसके बाद में गोलकनाथवाद में जो बड़ा बेंच था, 11 जजेस बेंच था, उसने उस डिसीजन को ओवर रूल किया और गोलकनाथ केस में कहा गया कि जो हमारी विधायिका है उसके 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है वो सीमित है, अनलिमिटेड नहीं, और आर्टिकल 13 उस पर भी लागू होगा जो 368 के अंतर्गत संशोधन किए जाएंगे अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे। चलिए अब इनके उत्तर को देख लेते हैं। सबसे पहले इन बेसिक स्ट्रक्चर को बहुत ही कंक्रीट और कहें कि सटीक शब्दों में डिफाइन किया है। इसके बाद शंकरी प्रसाद केस का उल्लेख किया है इन्होंने। देखिए आप केस लॉ मान लो कि सब सारे लिख देते हैं लेकिन उसकी कोई सीरियल नहीं बनाते हैं। मान लो कि आप केशवानंद भारती से ही शुरू करते हो और फिर इसके बाद शंकरी प्रसाद लिखते हो, तो नहीं, एक जो क्रम है ना डेवलपमेंट का उसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो इन्होंने अच्छा फॉलो किया है, पहले शंकरी प्रसाद का उल्लेख किया है, इसके बाद गोलकनाथ का उल्लेख किया है,
24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसका भी उल्लेख करना इस प्रश्न में जरूरी हो जाता है। अब चाहें तो 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का भी उल्लेख कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने आर्टिकल 13 का भी सही तरीके से उल्लेख किया है। इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा केशवानंद भारती केस के बारे में बताया है कि बेसिकली केस क्या था। आज तक इंडियन जुडिशियरी की सबसे लार्जेस्ट बेंच बैठी थी केशवानंद भारती में, जिसमें 13 जजेज बेंच थी। इससे पहले गोलकनाथ 11 जजेज बेंच थी। अगर आपकी रेफरेंस रिलेवेंस की बात करेंगे तो इसमें जिसका डिसीजन आया था वो 7:6 में आया था। जस्टिस सिकरी इसके उसमें जो CJI थे वो किस केस को ये लीड कर रहे थे। जो ज़्यादातर आंसर में मिसिंग रहा, इन पॉइंट्स को तो बहुत लोगों ने किया है मेंशन, मेनका गांधी केस, बामन राव केस, इन सारे का बहुत लोगों ने मेंशन किया है, लेकिन ये जो पॉइंट मैं खोज रहा था वो इसी आंसर में मुझे मिला है कि आप केवल ये नहीं कर सकते हो कि एक बहुत अच्छी पहल थी, इसको आपके कुछ ड्रॉबैक्स भी दिखाने होंगे। ड्रॉबैक्स आप 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में दिखला सकते हो कि किस तरीके से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की जो गठन किया गया, कमेटी जो बनाई गई थी, जिसका कि आप जब अध्ययन करोगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी रेशनल थी और एक बैलेंस तरीके से न्यायपालिका में नियुक्ति किस प्रकार से की जाए उसके लिए बनाई गई थी। लेकिन न्यायपालिका ने इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया। तो आप देख सकते हो कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसने न्यायपालिका को कहीं ना कहीं एक्सट्रीम पावर दे रखा है। तो इस तरीके से अगर आप इस केस का जिक्र करते हैं तो आपका उत्तर संतुलित हो जाता है कि आप एक पक्षीय नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन आप जरूर लिखेंगे कि चूंकि इसको डिफाइन नहीं किया गया है इसलिए आप कह सकते हो मेटाफोर के रूप में कि हाँ, एक ब्रह्मास्त्र मिल गया है न्यायपालिका को। तेरा हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। तो बेसिकली आप याद कर लो, इसमें आपको पहला संविधान संशोधन, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इतने अमेंडमेंट्स का आप जिक्र कर सकते हो। शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, बामन राव, इतने केस लॉ का आप उल्लेख कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहें तो इसकी विदेशों से तुलना कर सकते हैं कि और किन किन देशों में ये, अगर आपको करनी हो तो स्टार्टिंग जब आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को डिफाइन करते हैं वहीं पर कर सकते हैं कि पाकिस्तान, जर्मनी, इन देशों से आप तुलना कर सकते हैं, इन देशों में भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को कहीं ना कहीं यूज किया गया है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द मैंडेट ऑफ द WHO एज वेल एज हाइलाइट्स इट्स इंपॉर्टेंट रोल इन डीलिंग विद ग्लोबल पेंडेमिक COVID-19। देखिए बेसिकली इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या करना है, WHO के बारे में संक्षिप्त में बताना है कि WHO एक संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेषीकृत क्या है, एजेंसी, जिसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार को देखना है, खासकर स्वास्थ्य सेवाओं विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों में किस तरीके से एक अच्छे लेवल पर उपलब्ध की जाए, उन्हें तकनीक मुहैया कराया जाए, उन्हें सब्सिडी दी जाए, इस सारी चीज़ों की देखभाल करना, किसी भी बीमारी को पेंडेमिक घोषित करना, एपिडेमिक घोषित करना, स्वास्थ्य संबंधित सलाहकारी सूचना या एडवाइजरी जारी करना, ये सारी काम किसका है, WHO का है। इसके बाद आप चाहें तो बता सकते हैं कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, इसके थोड़े इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। इसके बाद
भूमिका इसकी विवादों में रही है कुछ, तो कुछ विवाद बता देंगे कि विवाद किन किन मुद्दों को लेकर है। तो पहला विवाद है कि इसने कोविड 19 को समय रहते ग्लोबल पैंडेमिक घोषित नहीं किया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चिंता संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जिसे बोला जाता है वह घोषित नहीं किया। साथ ही साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कुछ यूरोपीय देशों ने चीन के पक्ष लेने का भी WHO पर आरोप लगाया है। विवादों के बावजूद WHO की सकारात्मक भूमिका की अब विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से लॉकडाउन के संबंध में, वैक्सीनेशन के संबंध में, मेडिसिंस के संबंध में WHO ने गाइडलाइन जारी किए, जो अल्प विकसित देश हैं उनके लिए वैक्सीन किस तरीके से उपलब्ध हो उसके लिए विकसित, और भारत जैसे विकासशील देशों से आग्रह किया। भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी का प्रयोग करते हुए बहुत सारे अल्प विकसित और पड़ोसी राष्ट्रों को वैक्सीन की सप्लाई भी की। तो इस तरीके से आप कुछ सकारात्मक पक्षों का उल्लेख करेंगे। फिर इस संगठन की कुछ जो संगठनात्मक कमियां हैं उसको भी दर्शाएंगे। पहला वित्त की समस्या है, विकासशील देश की जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन विकसित देश यानी अमेरिका, चाइना और यूरोपियन देशों से आता है, और चाइना और अमेरिका ने इसकी फंडिंग को रोकने का आदेश जारी किया था इससे पहले जो ट्रंप की प्रशासन थी। इसके साथ साथ विशेषज्ञों का अभाव WHO में, चीन और कुछ इस तरीके से साम्यवादी देशों के द्वारा संगठन के साथ डेटा साझा करने की लेकर जो पॉलिसी है वो स्पष्ट नहीं होने के कारण समय पर इस संगठन के साथ डेटा साझा नहीं किया जाना, ये सब इस संगठन की क्या हैं, सीमाएं हैं। लेकिन इसके बाद भी आप कंक्लूजन में लिखेंगे कि WHO ने इन सारी चुनौतियों के बावजूद COVID-19 से निपटने में एक सकारात्मक काम किया है। ये सही है कि कुछ विकसित देशों और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के द्वारा इसकी आलोचना की गई है, लेकिन इन तमाम आलोचनाओं के बावजूद इस तरीके के संगठन की आवश्यकता है और आवश्यकता इस संगठन को भविष्य में और भी मजबूत करने की है, ताकि इस तरीके का भविष्य में अगर कोई महामारी उत्पन्न हो तो इससे और भी अच्छे तरीके से निपटा जा सके। अब हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, देश में डिजिटल भुगतान के उपयोग में वृद्धि वित्तीय समावेशन को सक्षम करने में केंद्र सरकार की सफलता को दर्शाती है, क्या आप इस मत से सहमत हैं? बिहार के विशेष संदर्भ में विश्लेषण करें। द इंक्रीज इन द यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन द कंट्री रिफ्लेक्ट द सक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इनेबलिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। डू यू एग्री विद दिस ओपिनियन? एनालाइज विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। बिहार के विशेष संदर्भ में आपको बतानी है ये बात। अब ज़्यादातर लोगों ने बिहार के जो टेल जोड़ा है उसको इग्नोर कर दिया है, लेकिन आपको जब टेल जोड़ा गया है तो मान के चलिए कि 1/3 नंबर इस पे आपका निर्भर करता है। इसके अभी उत्तर हमारे पास बहुत कम आए हैं, जिनका हमने केशवानंद भारती का उत्तर साझा किया था, उन्होंने ही इसका उत्तर भी लिखा है और अच्छा लिखा है, और एक हिंदी में भी आया है, वो भी मैं आपको दिखला देता हूँ। दोनों ने लगभग एक से शुरुआत की है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो टूल्स यूज होते हैं, जो चीज़ें हम यूज करते हैं, उसे विस्तार से बताया है कि किस तरीके से डिजिटल लेशन को भारत में बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके कौन कौन से साधन हैं, उसमें चैलेंजेस क्या हैं। तो हम बताएंगे कि वित्तीय समावेशन क्या है बेसिकली। तो देश के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सेवा से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से जो हमारा एक चयन बना हुआ है उसमें शामिल करना वित्तीय समावेशन की श्रेणी में आता है। वित्तीय समावेशन किसी भी अर्थव्यवस्था की धमनी की तरह होता है।
डिजिटल पेमेंट को बढ़ने के दो तीन रीजन हैं। एक तो जो केंद्र सरकार की योजना है जनधन योजना, उसके द्वारा केंद्र सरकार ने लगभग सारे जितने भी देशवासी हैं उनको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का रखा है। दूसरा जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल, इन तीनों का उपयोग कर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। अब जो हमारे जनधन योजना है वो जीरो बैलेंस पे खुलता है, यानी जीरो नल बैलेंस पर वो योजना की शुरुआत की जाती है। इन्होंने टेक्निकली बहुत सारे चीज़ों को बताया है कि इंटरनेट बैंकिंग हम NEFT RTGS, अगर आप इतना तकनीक में नहीं भी बताते हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप बताते हैं तो एक अच्छी बात है, आपको एडिशनल एक से दो नंबर आपको मिलते हैं। बेनिफिट्स क्या है इसके, तो इसमें करप्शन के चांसेस कम रहते हैं, ब्लैक मनी का चांसेस कम होता है, GDP में कंट्रीब्यूशन में बढ़त मिलती है, रिस्क कम है, व्यवस्था इजी है, लेकिन कोई कितनी भी अच्छी चीज़ है उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो रहेंगे ही रहेंगे। तो आपको चैलेंजेस जब बताने हैं तो यहीं पे बिहार का टेल आपको जोड़ना है। साइबर अटैक, लो डिजिटल लिटरेसी, जो रूरल एरियाज हैं वहाँ एक्सेप्टेंस की अभी भी समस्या है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है, तो इन चीज़ों को आप दिखाएंगे। अब आप बिहार के विशेष रेफरेंस में बताएंगे कि वैसे तो बिहार सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्य में फाइनेंशियल इंक्लूजन केवल डिजिटल माध्यम से अभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी जो है वो काफ़ी कम है, लोगों में साक्षरता की दर ही कम है और उसमें डिजिटल लिटरेसी तो नहीं के बराबर है, 10% से भी कम है। तो ऐसी स्थिति में बिहार जैसे राज्यों का फाइनेंशियल इंक्लूजन का मापन यानी निर्धारण केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की संख्या बढ़ रही है, उसके लिए ज़रूरी है कि डिजिटल लिटरेसी को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, उसे मजबूत किया जाए, इंटरनेट कनेक्टिविटी को रूरल एरियाज तक पहुंचाया जाए। तो आप बिहार के विशेष रेफरेंस में इन चीज़ों का उल्लेख करेंगे। आर्थिक सर्वे और बजट, अगर इन दोनों में कोई चीज़ उल्लेखित की गई है, 7 निश्चय योजना का आप उल्लेख करेंगे, 7 निश्चय 2.0, उसमें भी वित्तीय समावेशन की बात की गई है, तो आप इन चीज़ों का उल्लेख करते हुए इस उत्तर को कंप्लीट करेंगे। तो हमने आज की वीडियो में 3 उत्तर डिस्कस किए, केशवानंद भारती, WHO से संबंधित और फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित। तो अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें